Please subscribe Gandhian Corridor YouTube channel. प्रिय सगजन साथियों, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। आइए हम जानते हैं ग्राम सिंहपुर में स्थित प्राचीन गोंडवाना कलीन गढ़ के संबंध में गोंड आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन का मामला क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद उस क्षेत्र के पटवारी साहब की उपस्थिति में फिलहाल क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया है। हालांकि यह मामला कोर्ट तक भी जाने वाली है, अब वहां से क्या फैसला आता है आपको अपडेट मिल जाएगा। सगजन साथियों, उमरिया जिले के ग्राम सिंहपुर में स्थित प्राचीन गोंडवाना कालीन गढ़ मौजूद है जो कि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यह मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964-1963 के अंतर्गत राज्य की महत्व क्षेत्र घोषित किया हुआ है। अब यह अधिनियम साफ साफ कहता है कि यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलुप्त करता है अथवा परिवर्तित करता है या खतरे में डालता है, दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो इस अपकृत्य के लिए उसे 1 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या कि फिर दोनों हो सकता है। साथ ही इस अधिनियम में यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1975 के नियम 28 तथा वर्ष 1999 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर दूरी तक और इसके आगे 200 मीटर की दूरी तक या 200 मीटर के समीप एवं निकट उस क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन ना तो नवनिर्माण कार्य किए जा सकते हैं, यह पूर्णतः प्रतिबंध है या कि फिर प्रतिषिद्ध व विनियोजित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत विरोध करने वाले लोग सही हैं। साथियों, अब आइए हम जानते हैं जो समर्थन कर रहे हैं उनका तर्क क्या है और जो विरोध कर रहे हैं उनका तर्क क्या है। कोई भाई बना नहीं किया, चलो करिए, ठीक है, ये पहचान बन रहा है तो हमारी संस्कृति मिट रही है, ये भी अपहरण हो जाएगा, हम तो कोई पहचान के नहीं रह जाएंगे, इसलिए इसका गुरु जी हम लोग विरोध करते हैं। और इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ये बात पहले भी मैं कहा, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लोगों में बुद्धि में बिल्कुल नहीं आया, आज भी अभी भी चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 330-332 में लिखा है कि आदिवासी समाज स्वतंत्र है, स्वयं अपना अधिकार मान सकता, लेकिन आज हमारे आदिवासी समाज को अभी मैंने समझाया, लेकिन बुद्धि नहीं चल रही है, लेकिन जितना भी संख्या हमारे बीच में बैठे हुए, ये निर्णय होना चाहिए कि ये यज्ञशाला नहीं बनना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र है, रखा हुआ है, उसे हम कोई हटा नहीं रहे, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चाहे विरोध करता हो आदिवासी, चाहे न करता हो, अगर ये हिंदू व्यवस्था के कारण ये बन रहा है, आदिवासी प्रकट का पुजारी होता है, उसका आर्टिकल हिंदू ला में लागू नहीं होता और आदिवासी समाज का हिंदू ला का कानून लागू नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, इधर जो है अगर वो जमीन वाला का भी विचार आ रहा है, तो अगर वो सार्वजनिक में दिया होगा, कभी दान में दिया होगा, भले रिकॉर्ड से खाली ना हो, लेकिन अगर दान में दिया है तो यहाँ पूरे समाज का पावर है। दूसरी बात शासन प्रशासन, ये प्राचीन गढ़ी के नाम से लिखा है गोंडवाना कालीन गढ़ी, 200 मीटर की दूरी पर सामने कोई भी भवन निर्माण खनन ये नहीं होना चाहिए, ये भी हुआ, तो हमारा निवेदन है, इसके लिए हमने अभी 24 तारीख को कलेक्टर साहब को इसके सदन में ज्ञापन भी दिया है राज्यपाल और राष्ट्रपति के माध्यम द्वारा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है
इस पर हस्तक्षेप न करें और जो इसके पक्ष में हैं, तो मैं सीधे बता रहा हूं आपका भविष्य बिल्कुल तय। कल आने वाला समय हमको हमारे बच्चे गाली देंगे कि कैसे हमारे पीढ़ी गाली देंगे। अभी हिंदू रीति रिवाज में चलने के कारण झारखंड में तामड़िया जनजाति के लोग आदिवासी समाज के थे, हिंदू रीति रिवाज में चलना चालू कर दिया, सामान्य कर दिया, हिंदू में कर दिया। अब वो परेशान है, उनके आर्टिकल खत्म हो गया। जब खत्म हो, इतना प्रमाण छत्तीसगढ़ में 36 प्रधान समाज आज हिंदू अपना सिद्ध नहीं कर पा रहे, अपना मैटेरों में गौण हूँ, गौण में सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, तो कम से कम ये तो हमारा सिद्ध कर सकता है। इसको भी हमारे लोग मिटाना चाहते हैं, ये क्या तरीका है? तो कम से कम मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ, और ये जो निर्माण हो चुका है, हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी दिया इसके करने के लिए। शासन प्रशासन में थोड़ा समय जरूर लग जाता है, इसलिए ये काम नहीं रोके, सीधे करना चालू कर। इस हिसाब से मेरा निवेदन है, हमारे हरिजन आदिवासी जो है, ये हिंदू एक्ट लागू नहीं होता, और ये पूरा का पूरा हिंदू एक्ट लागू के माध्यम से ये पहचान बनो। इतने दिन तक लकड़ी हिंदी से बनाया गया, कोई रोक नहीं लगाई गई, लेकिन ये तो अमित हो गया। अब ये हो गया, फिर कहीं इधर मंदिर बन जाएगा, फिर उधर वो हो जाएगा, इस तरह से ये गढ़ी जो है हमारा कब्जा हो जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी आदिवासी समाज होंगे, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, अभी जनगणना होने वाली है। इतने दिन तक धर्म कालम में लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था? अन्न, लास्ट में अन्न, इस बार तो अन्न भी समाप्त कर दिया गया है। क्या करोगे? तब आप लोग वो हिंदू में लिखना चालू कराओगे। जब हिंदू में लिख देंगे तो सारी एक्ट कानून व्यवस्था आदिवासी की खत्म हो जाएगा, चाहे गौर गोल बैगा भील हिलाना कोई भी हो, उनका एक्ट जो है खत्म हो जाएगा। वही हाल हो रहा है झारखंड में। इसलिए गुरु जी मेरा निवेदन है आप लोगों से, पैर पड़ता हूँ कि आदिवासी समाज को न मिटवाने का काम करें। यही आप लोगों से मेरा निवेदन। गढ़ी स्थित जिसके सामने 200 मीटर के अंदर मंदिर एवं यज्ञशाला भवन निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के नियम के खिलाफ है, जिसमें 5 से 6 सदस्यों के द्वारा मंदिर एवं यज्ञशाला बनाने के पक्ष में है, जबकि 130 से 140 सदस्यों का मत प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर जो शासन के निर्देशानुसार 200 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार के नव निर्माण का जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हम आदिवासियों की प्राचीन धरोहर है, अतः उक्त पंचगण वक्त पड़ने पर काम आवे। अब ये सिग्नेचर आप लोग पास जाएगा, सभी सभी कोई सिग्नेचर करा।